तो एक खुले बाजार से ला, पहला जो था वो सिर्फ टेंडर रूट से, तो गौरांग से सिर्फ एक तिहाई गुंजाइश है टेंडर रूट से आने की। कैलकुलेशन ठीक है क्या? का गणित मुश्किल से ही कोई गुंजाइश होती है मुझे किसी भी तरह की टिप्पणी करने के लिए आशीष। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, ये बायबैक, मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। आपने इसके पहले टीसीएस का मेरे ख्याल से बायबैक देखा था, चौथा बायबैक था, और जो दाम थे टीसीएस के शेयर के बाजार में, कैश मार्केट में, उससे बहुत ही ऊपर के तरफ का बायबैक आया था। तो ये जो बायबैक होता है ना, ये बहुत छोटी अवधि के लिए कुछ लोगों को शायद आकर्षित करते हैं, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं आशीष के, अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो बायबैक में टेंडर करने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, आपने छोटी अवधि में सिर्फ यही सोच ध्यान में रख करके कोई खरीदारी की हो बायबैक में टेंडर करने के लिए, लेकिन वहां पर भी जैसे आप जिक्र कर रहे थे, डिपेंड होता है, निर्भर होता है प्रोपोर्शनेटली कितना बायबैक करेगी कंपनी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।